कॉमनवेल्थ गेम्स के आज आठवें दिन भी कई इवेंट में भारतीय खिलाड़ी मेडल के लिए दांव लगाएंगे। भारतीय रेसलिंग मुकाबलों की आज से शुरुआत हो रही है। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम वेल्स को 4-1 को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। कई पदक जीतने की उम्मीद बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स टॉप 9। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आठवां दिन भारत के लिहाज से काफी बड़ा रहने वाला है। महिला हॉकी टीम आज मेडल पक्का करने की इरादे से मैदान में उतरेगी। महिला हॉकी टीम का आज सेमीफाइनल मुकाबला है, जिसमें उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। वहीं स्टार एथलीट हिमा दास भी एक्शन में दिखेंगी। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता, कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज कई खेलों में मुकाबले खेले जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से नजर रेसलिंग मुकाबलों पर रहेगी। कुश्ती में सभी की नजरें बजरंग पुनिया पर रहेंगी, वो 65 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। इनके अलावा दीपक पुनिया 86 किलोग्राम, मोहित ग्रेवाल 125 किलोग्राम भार में उतरेंगे। वहीं महिलाओं में अंशु मलिक 57 किलोग्राम, ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक 62 किलोग्राम वर्ग और दिव्या काकरान 68 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। CWG में वेटलिफ्टर गुरदीप सिंह ने 109 किलोग्राम से ज्यादा वजन की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 10वां मेडल जीतने वाले गुरदीप सिंह ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। इस बार सर, जैसे आप बता रहे हो, हमारी सारी टीम ने बहुत मेहनत करी, हमारे कोचेज ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी साई फेडरेशन ने, इन्होंने हमें इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी। हम पिछले 1.5 महीने से बर्मिंघम में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो इधर बहुत बड़ी ट्रेनिंग हुई है हमारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मुरली श्रीशंकर ने मेंस लॉन्ग जंप के फाइनल में 8.08 मीटर के बेस्ट जंप के साथ सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। श्रीशंकर कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले पुरुष एथलीट बन गए हैं। इससे पहले महिलाओं में पूर्व एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज और रजिशा मलाइकल पदक जीत चुकी हैं। भारतीय हॉकी टीम ने वेल्स को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत ग्रुप बी में टॉप पर रहा है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और भारत का सामना न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच जीतने वाली टीम से हो सकता है। वेल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह ने 3 और गुरजंत सिंह ने 1 गोल किए। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने बैडमिंटन के महिला सिंगल्स मुकाबले में मालदीव की फातिमा नबाहा को सिर्फ 21 मिनट में हरा दिया। पीवी सिंधु ने यह मैच एक तरफा अंदाज में 21-4 और 21-11 से अपने नाम किया। पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु के लिए यह मुकाबला बेहद आसान रहा। सिंधु मिक्स टीम इवेंट में पहले ही एक पदक अपने नाम कर चुकी हैं। भारत की स्टार टेबल टेनिस प्लेयर महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मनिका ने कनाडा की चिंग नेम फू को 4-0 से हराया। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मनिका ने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं मनिका बत्रा और साथियान गडाना शेखरन की जोड़ी टेबल टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वुमेन सिंगल्स में शीजा अकुला भी मुकाबला जीतने में कामयाब रही। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। बॉक्सिंग में पुरुषों के 92 किलोग्राम वर्ग में सागर अहलावत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और इसके साथ ही कांस्य पदक पक्का कर लिया है। उन्होंने सीशेल्स की केटी इवांस को 5-0 से हराया। सागर से पहले अमित पंघाल और जैस्मिन ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इनके अलावा रोहित टोकस वेल्टरवेट कैटेगरी में सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने पुरुषों के हैवी वेट कैटेगरी में 212 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। सुधीर भारत के लिए पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। वहीं पैरा टेबल टेनिस मुकाबले में भारत की स्टार सोनल बेन पटेल महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके अलावा राज अरविंदन और भावना पटेल भी सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।